स्वागत है, मैं हूं सुदर्शन। वो इतना खतरनाक है कि छूना तो दूर, अगर आपकी जद में आ जाए तो हमेशा के लिए सुला सकता है आपको मौत की नींद। उसके डर से आज पूरी दुनिया हो गई है अपने घरों में कैद। आलम यह है कि लोग सांस तक लेने में डरने लगे हैं। दुनिया भर में हजारों की जिंदगियां लील चुका है, भारत में भी उसकी मौत के सुलाए लोगों की दिन ब दिन बढ़ रही है तादाद। हम बात कर रहे हैं मौत का दूसरा नाम बन चुके कोरोना वायरस की, जिसके चलते देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जनता के सामने जोड़ने पड़ गए हाथ। 21 दिन के लिए भारत को करना पड़ गया लॉकडाउन। वो इतना खतरनाक है कि छूना तो दूर, उसकी जद में आए को सुला देता है मौत की नींद। उसके डर से आज पूरी दुनिया है अपने घरों में कैद। दुनिया भर में छाया है सन्नाटा। दुनिया भर में हजारों की जिंदगी लील चुका है खतरनाक कोरोना वायरस। भारत में भी रोज बढ़ रहे हैं उसके शिकार। मौतों में भी लगातार हो रहा है इजाफा। उसके डर के आगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को हाथ जोड़कर करनी पड़ी अपील। कभी न थमने वाले हिंदुस्तान को 21 दिन तक करना पड़ा लॉकडाउन। वो इतना खतरनाक है कि छूना तो दूर, आपकी जद में आ जाए तो हमेशा के लिए सुला देगा आपको मौत की नींद। उसके डर से आज पूरी दुनिया हो गई है अपने घरों में कैद। आलम यह है कि लोग सांस तक लेने से डर रहे हैं। दुनिया भर में हजारों को लील चुका भारत में उसकी मौत के सुलाए लोगों की तादाद दिन ब दिन बढ़ रही है। हम बात कर रहे हैं मौत का दूसरा नाम बन चुके हैं कोरोना वायरस की, जिसके चलते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी जनता के सामने जोड़ने पड़ गए हाथ। 21 दिन के लिए भारत को करना पड़ गया लॉकडाउन। केंद्र और राज्य सरकारें लगातार लोगों को आगाह कर रही थी, घरों से नहीं निकलने की चेतावनी भी दे रही थी, लेकिन लोग नहीं माने। मजबूरन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टीवी पर आना पड़ा। पूरे देश के सामने उन्होंने हाथ जोड़कर विनती की कि आप घरों से बाहर ना निकलें, लेकिन लोग नहीं माने। सारी दुनिया में वो रोजाना हजारों जिंदा लोगों को मौत की नींद सुला रहा था। हर तरफ हाहाकार मचा था, लेकिन लोग नहीं समझे। मजबूरन देश के प्रधानमंत्री को लगाना पड़ा जनता कर्फ्यू। एक बारगी लगा कि शायद लोग समझ गए, लेकिन अगले दिन फिर वही हालात। जानवरों की तरह मौत के मुंह में जानबूझकर घुसते लोग। प्रधानमंत्री मोदी ने किया 2 दिन का इंतजार और आखिरकार 24 मार्च 2020 की आई वो तारीख, जब प्रधानमंत्री मोदी फिर आए देश के सामने और किया वो ऐलान जिसकी शायद कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। कभी ना थमने वाले हिंदुस्तान की रफ्तार पर पूरी तरह से 21 दिनों का ब्रेक लगा दिया। भारत में किया गया 21 दिनों का लॉकडाउन। जो जहां था वहीं रह गया, ना कोई घर से निकल सकता है और ना ही बाहर जा सकता है। एक्सपर्ट्स और अन्य देशों के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए देश आज एक महत्वपूर्ण निर्णय करने जा रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। हिंदुस्तान को बचाने के लिए, हिंदुस्तान के हर नागरिक को बचाने के लिए, आपको बचाने के लिए,
आपके परिवार को बचाने के लिए आज रात 12 बजे से घरों से बाहर निकलने पर पूरी तरह पाबंदी लगाई जा रही है। दुनिया भर में रोजाना जीवित लोगों को मौत की नींद सुला रहा है कोरोना। पीएम मोदी ने लगाया जनता कर्फ्यू, लगा कि समझ गई भारत की जनता। अगले दिन फिर नजर आए वही हालात, जानबूझकर मौत के मुंह में जा रहे थे लोग। कभी ना थमने वाले हिंदुस्तान की रफ्तार पर लग गया पूरा ब्रेक। सारी दुनिया में कोहराम मचा देने वाले कोरोना की आहट से ही भारत सचेत हो गया था। बावजूद इसके ये जितनी तेजी से फैल रहा है उसे लेकर सरकार भी चिंतित है। जब सब कुछ निर्भर करता है हमारे देश की जनता पर, क्योंकि आने वाले 10 दिन यानी 5 अप्रैल तक कोरोना वायरस के खिलाफ जंग में अगले बेहद अहम होने वाले हैं। दुनिया में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना 33% की दर से बढ़ रही है। जरा सी भी लापरवाही के घातक नतीजे हो सकते हैं। अगले 10 दिन बेहद अहम है। 5 अप्रैल को ही पता चलेगा कि भारत में संक्रमण किस हद तक फैला है। केंद्र और राज्य सरकारों ने लॉकडाउन को लेकर सही समय पर फैसला लेकर अपनी जिम्मेदारी निभाई है। अब जरूरत है जनता की भागीदारी, जरूरत है सभी के एकजुट होने की। मिलकर ही कोरोना को हराया जा सकता है। हमारे देश ने पहले भी एकजुटता की मिसालें कायम की हैं। उम्मीद है कि भारत की एकजुटता और जज्बे के आगे कोरोना भी ज्यादा नहीं टिक पाएगा। क्राइम रिपोर्ट के लिए जयपुर से सुदर्शन शेखावत की पड़ताल। जनटीवी की लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन दबाएं।